Good to see you, Aftab. Thank you. बहुत कुछ हो रहा है, please tell us. और special ops is around the corner. Yes. बहुत positive vibes just कह रहा हूँ. You know, it's exciting. Promotion पूरी जोरों शोरों से चालू है. सो आई जस्ट फिनिश प्रमोटिंग, लॉट्स मोर टू गो. 12 नवंबर को रिलीज़ है तो ऑब्वियसली एक्साइटेड है और बहुत कुछ काम करना बाकी है वैसे. सो कैरेक्टर आई कांट थ्रो लाइट, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि रॉ पर है तो ऑब्वियसली एक एक इंटेंसिटी वहीं इनहेरेंटली आ जाती है. बट एक एक ऐसी सीरीज़ है जिन्होंने लोगों ने 2020 में इतना सराहा है, इतना देखा है, तो ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही कोशिश है कि इस फ्रेंचाइज को हम जितना हो सके आगे लेके चले. डिफ़िकल्ट है ये बताना, ये मुश्किल है क्योंकि सारी चीज़ें जो है शो में भी क्लासिफाइड है, तो जब शो निकलेगी ऑन एयर 12 नवंबर को तो सारी चीज़ें पता चल जाएगा. नीरज पांडे किकी मेनन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? अमेजिंग है. इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम आई वुड से. चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हर बार काम करूँ. नीरज सर इज़ अ जीनियस एज यू नो. वो बहुत अच्छे, उन्होंने इस तरह की फिल्मों में यार सारी तरह की फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया हुआ है. सो फॉर एन एक्टर इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद समवन एज क्लियर एंड एज अकम्प्लिश्ड एज नीरज सर. एंड के सर तो मतलब जितना कहूँ कम है क्योंकि वो ऐसे एक्टर है जो मतलब मैं अगर कहूँ तो इट डजंट डू जस्टिस टू हिज टैलेंट, बट उनके साथ काम करने का अनुभव इज बीन अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. रिसेंटली चालीस करोड़ चार दिन में कमाना और जिस हालात में हम गुजर रहे हैं जहाँ थिएटर को लेके बड़ी पैंडमिक है, एक्यूपेंसी कम है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि थिएटर में रिलीज़ होना इस पैंडमिक के दौरान वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. सो एक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये एक इंडिकेशन है कि लोग कितना सिनेमा में जाकर फिल्म देखना चाहते हैं, यू नो. और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रेंड वहाँ पर है यहाँ पर भी हो और हमारी फिल्में चले, लोग दर्शक पूरे सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के साथ थिएटर आए और फिल्मों और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई एम माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये जो सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, जो दौर है, वो वापस आ जाए और लोग इसे बड़ी तादाद में देखें. नीरज पांडे जी की लोकेशन हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री चूज करते हैं के दौरान देखा स्पेशल. आप बताइए आपको कौन सी कंट्री बहुत पसंद आई एंड कहाँ पर शूटिंग का बहुत ही स्पेशल ऑप्स की मैं बात करूँ? स्पेशल ऑफ 1.5 हम लोगों ने इंडिया, मॉरिशियस और यूक्रेन में शूट किया था. स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी तो जाहिर सी बात है कि हमें बाहर जाके शूट करना पड़ा क्योंकि जो रॉ होता है वो सिर्फ इंडिया में नहीं होता, उनके एजेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं. तो जैसे कि कहानी आगे चलती है आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने इस जगह में क्यों शूट किया, तो वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी और शो का प्री रिक्वायरमेंट था उसका स्केल, और स्केल पर वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शूट इन दोज कंट्रीज स्केल इस्टेब्लिश करने के लिए. दिवाली यही कर रहे हैं हम लोग, स्पेशल ऑप्स लोगों के सामने पेश कर रहे हैं. यही उम्मीद है कि सब लोग एक हैप्पी, सेफ और प्रॉस्पेरस दिवाली. सेफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड. घर में रहें, घर वालों से मिले लेकिन विद सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि हमें लगता है कि पूरा ये कोविड जा चुका है, बट यू डोंट वांट टू बी टेकिंग एनी रिस्क्स. आई वुड से हैव अ सेफ, हैप्पी, प्रॉस्पेरस दिवाली. थैंक यू सो मच.